हाँ जी बेटा, फाइंड द डिराइव्ड सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर। अब यहाँ पर हम यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स टो के अंदर जो सेट्स हैं वो आपके ओपन इंटरवल्स हैं। तो सबसे पहले आपने जेड, जेड इज अ सबसेट ऑफ आर, तो आपने इस जेड का डिराइव्ड सेट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें रियल नंबर्स बारी बारी से लेकर देखने हैं कि क्या वो जेड के लिमिट पॉइंट बनते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिए, आपने जेड डैश फाइंड आउट करना है। जेड डैश के अंदर डिराइव्ड सेट ऑफ जेड का मतलब आपने जेड डैश फाइंड आउट करना है। जेड डैश का मतलब क्या है? जेड डैश का मतलब है कि आपने लिमिट्स पॉइंट्स की सर्च करनी है, जेड के लिमिट्स पॉइंट्स की सर्च करनी है। तो वो सर्च कहाँ से शुरू होगी? क्योंकि जो सबसे बड़ा सेट है वो आपका आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेके चलेंगे। वैसे मतलब क्या है, हमारा सारे रियल नंबर्स की हमने स्टडी करनी है कि क्या वो जेड के लिमिट पॉइंट बनते हैं, लेकिन हम टर्न वाइज वन बाय वन करके नहीं देख सकते। तो इसलिए हम कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेकर चलेंगे और उसकी उसको देखेंगे कि क्या वो जेड का लिमिट पॉइंट बन रहा है। सो लेट अस सपोज एक्स बी एनी रियल नंबर। इफ एक्स इज एनी रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट नेबरहुड एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल सच दैट। अगर हम एक्स के नेबरहुड, अगर एक्स का नेबरहुड हमने लिया ओपन इंटरवल, क्योंकि अब यहाँ पर टो नेबरहुड की बात हो रही है और टो नेबरहुड का मतलब है यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के अंडर जो नेबरहुड आते हैं, और टो के अंदर जो मेम्बर्स हैं वो ओपन इंटरवल्स हैं। इसलिए यहाँ पर जो x के नेबरहुड बनेंगे वो आपके ओपन इंटरवल्स बनेंगे, इसलिए हमने x का नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन लिया है। अगर हम x के इस नेबरहुड की इंटरसेक्शन z के साथ लेते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, या तो phi आएगा या सिर्फ इंटीजर जो आएगा z और इस ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन में वो सिर्फ x इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट पॉइंट वाली जो डेफिनेशन है वो आपकी वायलेट हो रही है। दैट मीन्स x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ z, हेंस any real number, no real number is the limit point of z, means z dash is empty. Is it clear to all? बेटा क्लियर है सभी को? Yes ma'am. नेक्स्ट चलें। अब देखिए ऐसे क्यू डैश आपने फाइंड आउट करना है। क्यू डैश का मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो आपने क्या देखना है कि इस क्यू के साथ जब आप एक्स के नेबरहुड की इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें Q के इंटरसेक्शन X के नेबरहुड के साथ लेनी है। जब Q के इंटरसेक्शन आप इस नेबरहुड के साथ लोगे X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन के साथ, तो आपके पास इनफाइनेटली मैनी रेशनल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इंटीजर का केस था ना, इंटीजर में तो सिर्फ आपके पास X इंटीजर आएगा। बट जब आप Q के साथ इंटरसेक्शन लोगे X माइनस एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन की, मीन्स X के नेबरहुड की, तो आपके पास हमेशा phi और x से डिफरेंट भी रेशनल नंबर्स आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज वी नो दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर लाई इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर q के केस में x लिमिट पॉइंट बन जाएगा q का। इसका मतलब जब कोई भी रियल नंबर आप लेकर देखते हो तो वो q का लिमिट पॉइंट बन रहा है। दैट मीन्स q डैश इज इक्वल टू कम्प्लीटली इक्वल टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज एवरी रियल नंबर बिकम्स द लिमिट पॉइंट ऑफ q। सिमिलरली इन द case of irrational numbers means r minus q, if we take intersection of r minus q means set of irrational numbers with the neighborhood of x, means x minus epsilon to x plus epsilon, then we will get infinitely many irrational numbers. That means in the case of set of irrational numbers, every real point becomes the limit point of set of irrational number, hence derived set of irrational number is equal to r also. Is it clear? बोलिए कोई डाउट है इस थ्योरम में आपको? z डैश हमेशा एम्प्टी हो गया इन R2, इन यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर z डैश एम्प्टी होगा, बिकॉज नो रियल नंबर बिकम्स द लिमिट पॉइंट ऑफ z। q डैश एंड r माइनस q डैश दे बोथ आर इक्वल टू कैपिटल R, बिकॉज एवरी रियल नंबर बिकम्स द लिमिट पॉइंट ऑफ q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इज इट क्लियर? चलिए यस मैम, नेक्स्ट चलिए। यस मैम, देखिए यहाँ पर आपने क्लोजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्लोजर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे जो इजी मेथड है वो क्या है, देखिए आपको एक्स गिवन है, टाउ आपको गिवन है। टाउ का मींस है ये जो आपको फाइव सेट्स, फाइव एलिमेंट्स जो आपके पास हैं टो के मेंबर्स, वो सभी आपको टो ओपन सेट्स गिवन है।
तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, टू क्लोज्ड सेट्स निकाल लीजिए। ये टॉ ओपन सेट्स आपके पास गिवन है, आपने अगर क्लोज निकालने हैं तो आप क्या करोगे, इनका कॉम्प्लीमेंट्स निकालोगे। ठीक है, तो हम टॉ क्लोज्ड सेट्स निकाल रहे हैं। टॉ क्लोज सेट्स आर, देखिए फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स। सिंगलटन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी सी। सिंगलटन बी का कॉम्प्लीमेंट ए सी। सिंगलटन ए सॉरी ए बी का कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन सी एंड एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइव। इन फाइव सेट्स जो टॉपन सेट्स थे उनका हमने टर्न वाइज कॉम्प्लीमेंट लिया और ये फाइव आपके पास टॉप क्लोज सेट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। वी हैव टू फाइंड द क्लोजर ऑफ सिंगलटन ए, मीन सिंगलटन ए क्लोजर। सिंगलटन ए वी नो दैट क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग दैट सेट। दैट मीन्स सिंगलटन ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट दैट कंटेन्स सिंगलटन ए। तो अब इन पांच क्लोज सेट्स में से आपने वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट्स की सर्च करनी है जिसके अंदर सिंगलटन ए हो। अब देखिए इनमें से कौन सा आपको क्लोज सेट्स दिखाई दे रहा है जो सिंगलटन ए को कंटेन करता है, दैट इज ए सी। ठीक है, दैट मीन्स क्लोजर ऑफ सिंगलटन ए इज इक्वल टू ए कॉमा सी। इज इट क्लियर? यस मैम। अब ये सारे बेटा ऐसे ही हैं, जैसे कि ए बी क्लोजर निकालना है। सपोज ए बी क्लोजर मींस स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट दैट कंटेन्स दैट सेट, यानी कि ए बी। तो ऊपर वाले सेट्स में से देखिए ऐसा कौन सा क्लोज्ड सेट है जो ए बी को कंटेन करता है। बी सी भी नहीं करता ए बी को कंटेन, ए सी भी नहीं करता, सिंगलटन सी भी नहीं करता, फाइव भी नहीं करता। ओनली सेट इज एक्स, ओनली टू क्लोज सेट इज एक्स। दैट मीन्स ए बी क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। इज इट क्लियर? क्लोजर्स आ गए हैं आपको फाइंड आउट करने। यस मैम। अब देखिए एक बार ये कर लेते हैं डिस्कस ये वाली थ्योरम। एग्जांपल नंबर 8, लेट x बी द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, प्रूव दैट tau इज इक्वल टू ऑल दोस a व्हिच इज ऑल दोस सबसेट ऑफ x सच दैट x माइनस a मींस a कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल। यूनियन फाई इज अ टोपोलॉजी ऑन x। मीन्स यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी की बात की हुई है, को काउंटेबल टोपोलॉजी की बात की हुई है, लेकिन x स्पेसिफिक कर दिया। x आपको क्या दिया हुआ है, इरेशनल नंबर्स का सेट दिया हुआ है। x इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स बट टो इज अ को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन x। अब एक h सेट डिफाइन किया हुआ है, h इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ n, वेयर n इज 5 7 10 11 13 14 15 एंड 17। ऑब्टेन क्लोजर ऑफ एच, आपको एच क्लोजर फाइंड आउट करना है इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। ये देखिए अब एच क्लोजर की नोटेशन दो तरह से आ सकती है, सी एल भी लिखा हुआ आ सकता है और एच के ऊपर बार भी आपको आ सकता है। शो दैट देयर एग्जिस्ट टू टोपोलॉजीज टो डबल स्टार एंड टो स्टार ऑन एक्स सच दैट टो लाइज बिटवीन दीज टू टोपोलॉजीज। सबसे पहले हमें क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो देखिए वी नो दैट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। ठीक है, हमें पता है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हमेशा अनकाउंटेबल होता है। दैट मीन्स हमें एक्स जो गिवन है वो आपको अनकाउंटेबल सेट गिवन है। ये मैंने आपको बताया था, जब भी आप को फाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तब एक्स को इनफाइनाइट सेट लेकर चलते हो, और जब आप को काउंटेबल टोपोलॉजी डिफाइन करते हो तो एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, आपका अनकाउंटेबल सेट होना चाहिए। यहाँ पर एक्स अनकाउंटेबल है, लेकिन एक्स को स्पेसिफिक कर दिया कि वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, लेकिन है बनेगा एक्स अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो अगर x अनकाउंटेबल है तो हम ये पहले स्टडी कर चुके हैं कि ये जो टॉ टोपोलॉजी है वो x अनकाउंटेबल सेट के ऊपर ये टोपोलॉजी बन जाती है, और दैट इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसलिए ये जो है प्रूव दैट, ये हम स्किप कर रहे हैं पार्ट, बट इस क्वेश्चन में आपको नीड है, ये प्रूव करनी पड़ेगी आपको टोपोलॉजी। बट क्योंकि हम पहले कर चुके हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी जब हमने किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। बाय थ्योरम 7 लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमने प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि अनकाउंटेबल सेट के ऊपर इस टाइप की जो टो है ये हमेशा टोपोलॉजी बनती है। अब हमें एच क्लोजर का काम करना है। एच क्लोजर के लिए देखिए एच आपको ये गिवन है, अंडरूट एन एन इज इक्वल टू, दैट मीन्स आपको 2 3 4 5 6 7 8 एट एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं एच के अंदर, इनका स्केयर रूट। एच के अंदर 8 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स एच क्या बन गया, फाइनाइट सेट बन गया। एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, मीन्स एच इज काउंटेबल। नाउ इफ वी टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच, ये तो पता ही है हमें कि वो एच के इक्वल होता है। एच कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, एच के इक्वल होता है, और एच क्या है, काउंटेबल सेट। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये हमने काम क्यों किया, अगर ये आपके पास एच कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल आ रहा है, दैट मीन्स एच कॉम्प्लीमेंट
toe में चला गया. By definition of toe, a set belongs to toe if its complement is countable. We have H complement. Complement is countable means H complement belongs to toe. If H complement belongs to toe means H complement is open, means H is closed. And if a set is closed, then its closure is equal to itself, means H closure is equal to H. तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया यहाँ पर कि क्लोजर ऑफ एच की वैल्यू क्या आई है. हमारे पास एच इटसेल्फ आई है बिकॉज हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने दिखा दिया कि एच इटसेल्फ क्या है, क्लोज्ड सेट है. इज इट क्लियर? यस मैम. ठीक है, अब आगे देखिए. यस मैम. जो अनदर पार्ट है लास्ट वाला, शो दैट देयर एग्जिस्ट टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स. वो टू टोपोलॉजीज आपकी कैसे होनी चाहिए कि जो टाउ है वो उन दोनों टोपोलॉजीज के बीच में लाई करे. तो देखिए टाउ आपकी कौन सी टोपोलॉजी है, को काउंटेबल. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे छोटी होती है क्योंकि उसके अंदर दो ही मेंबर होते हैं फाई और एक्स, और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो सबसे बड़ी होती है क्योंकि उसके अंदर सारे मेंबर्स होते हैं, सारे सबसेट्स होते हैं. तो इसलिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस जो हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो टो स्टार आपको क्या चाहिए, सबसे बड़ी, तो हम टो स्टार को क्या ले लेते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी. और जो टो डबल स्टार है वो आपको सबसे छोटी चाहिए, तो आप टो डबल स्टार को इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लेट कर लेते हैं. जो दो टोपोलॉजीज की हमने सर्च करनी है तो हम टो डबल स्टार को इनडिस्क्रीट लेट कर लेते हैं और टो स्टार को डिस्क्रीट, तो हमारा पर्पस उससे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि फिर आपकी ये कंटेनमेंट ट्री हो जाएगी कि टो डबल स्टार बिकॉज ये क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इज कंटेन इन को काउंटेबल, इज कंटेन इन टो स्टार विच इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे बड़ी है और जो इनडिस्क्रीट है वो सबसे छोटी है. इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम. चलिए नेक्स्ट. अभी देखिए ये सारी वही चीजें हैं, ये आपने एडहेरेंट पॉइंट्स निकालना है. एडहेरेंट पॉइंट्स के लिए एक्स आपको गिवन है 1 2 3 4 5 फाइनाइट सेट गिवन है. टो के अंदर आपके पास ये 6 मेंबर्स गिवन है. ए आपको दिया हुआ है 2 4 5. एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट करना है. तो देखिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ए, लेट अस कंसीडर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एक्स. चलना हमने कहाँ से है, एक्स के पॉइंट से हमने स्टार्टिंग करनी है. तो पहले फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं 1. अब जब आपका पॉइंट 1 है तो उस केस में हमने क्या, अब फिर माइंड में ये बनाओ कि हमने क्या सर्च करना है, कि क्या 1 ए का एडहेरेंट पॉइंट बनता है या नहीं बनता. 1 ए का एडहेरेंट पॉइंट कब बनेगा, जब ए का इंटरसेक्शन 1 के नेबरहुड के साथ आपका कितना आएगा, नॉन एम्प्टी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडहेरेंट पॉइंट, इफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट सेट विद द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट इज नॉन एम्प्टी, देन दैट पॉइंट इज सेट टू बी द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ दैट सेट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडहेरेंट पॉइंट. सो इफ वी वॉन्ट टू चेक 1 इज द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए और नॉट, then what we will do, firstly we will find all toe neighborhoods of that point 1, and toe neighborhoods of 1 are, pehle to toe ke members wo wale dekho, 1 ke toe neighborhoods kaun se honge, 1 ke jo toe ke members hai jo 1 ko contain karte hain. Aapko 4 members dikhai de rahe hain, ek singleton 1, ek 1 2, ek 1 2 3 aur ek x. ये 4 नेबरहुड्स तो आपके टो से निकल गए, बाकी जितने इनके सुपरसेट्स हैं वो सारे भी आपके पास 1 के नेबरहुड्स होंगे. तो देखिए इतने सारे नेबरहुड्स आ गए आपके, बाकी सारे इनके सुपरसेट्स आप लिख लेना, तो सारे नेबरहुड्स आ गए. अब इनमें से आपने क्या किया, पहला नेबरहुड उठाया सिंगलटन 1. तो जब आप इस सिंगलटन 1 की ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आपके पास एम्प्टी आ रहा है, दैट मीन्स एडहेरेंट पॉइंट बन ही नहीं रहा. बाकी नेबरहुड्स के ऊपर आपको चेक करने की नीड ही नहीं है क्योंकि आपने एक नेबरहुड ऐसा दिखा दिया जिस पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन्स 1 इज नॉट द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए. इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? फिर ऐसे ही अब आपने 2 पॉइंट लेना है एक्स से. एक्स के अंदर 5 पॉइंट्स हैं, पहले 1 के ऊपर स्टडी की, अब फिर 2 3, ऐसे ही आपने सर्च करना है. दूसरा मेथड क्या है, ये समझ आ गया सबको, ये वाला मेथड सबको समझ? Yes, ma'am. अब देखिए अनदर मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या है, वही सेम. आप टो क्लोज्ड सेट निकाल लीजिए. टो क्लोज सेट कैसे निकालोगे, जो ये आपको 6 सेट्स दिए हुए हैं टो के मेंबर्स, इनका आपने टर्न वाइज कॉम्प्लीमेंट लेना है.
5 का कॉम्प्लीमेंट x हो जाएगा, सिंगलटन 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 3 4 5 हो जाएगा, सिंगलटन 2 का कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5, फिर 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5, 1 2 3 का कॉम्प्लीमेंट 4 5 और x का कॉम्प्लीमेंट 5। तो आपने सबके कॉम्प्लीमेंट्स निकाल कर टॉप लो सेट्स आपके पास आ गए, ठीक है। अब आपने एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए निकालना था। एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए का जो सेट्स है, दैट मींस ए क्लोजर निकालना है आपने। सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स इज द ए क्लोजर। तो ए क्लोजर का मतलब क्या है? वही स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। तो इनमें से जो ए को कंटेन करता है वो वाला सबसे छोटा क्लोज सेट आपको देखिए कौन सा दिखाई दे रहा है, वो आपके पास है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, हाँ नहीं ठीक लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ए की वैल्यू आपके पास 2 4 5 है। तो इनमें से देखिए किसके अंदर 2 4 5 आ रहा है आपके पास, 2 3 4 5 वाले क्लोज सेट्स के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, ए क्लोजर हो गया। इसका मतलब 2 भी एडहेरेंट पॉइंट बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा और 5 भी बनेगा, 1 नहीं बनेगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, या फिर आप जितने एक्स, क्योंकि देखिए ये तो अगर एक्स छोटा दिया हुआ है आपको, एक्स के अंदर 5 मेंबर्स है, 6 मेंबर है, तब तो आप टर्न वाइज एक एक पॉइंट लेकर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर एक्स के अंदर सपोज 20 मेंबर्स दिए हुए हैं, तब ये हमारा मेथड फेल हो जाता है कि हम एक एक पॉइंट लेकर सर्च करें कि क्या ये पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहा है। तो उस केस में हमारे पास ये थ्योरम काम आती है कि ए क्लोजर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये मेथड आपका एप्लीकेबल टू ऑल है। वो जो मेथड है आपका वो सभी सभी पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब आपका एक्स जो है वो छोटा दिया हुआ है। एक्स के अंदर आप 10 मेंबर्स तक भी चलो कर लोगे, वैसे तो वो भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर 10 से अबव जैसे ही मेंबर होंगे एक्स में, तो टर्न वाइज पॉइंट्स ले लेकर चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम फिर थ्योरम्स की हेल्प से क्लोजर्स निकालते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर है? अब यही है बेटा, देखिए अब ये क्लोजर डिस्क्रीट स्पेस में फाइंड आउट करने हैं आपने, ठीक है। डेंस सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं उसमें डिस्क्रीट स्पेस के अंदर। मैं आपको ना कोफाइनाइट का करवाती हूँ, इंडिस्क्रीट डिस्क्रीट का काफी बार हो भी चुका है हमारा, कोफाइनाइट में करते हैं। लेट एक्स टू बी ए कोफाइनाइट स्पेस, देन डिटरमाइन द क्लोजर ऑफ एनी सबसेट ए ऑफ एक्स एंड द डेंस सबसेट ऑफ एक्स। एक्स टू आपको कोफाइनाइट गिवन है, दैट मीन्स दो चीजें आपके माइंड में एकदम से क्लियर होनी चाहिए। When x2 is cofinite space means x is always infinite set and 2 is equal to a contained in x such that a complement is finite, union 5. अब हमने क्लोजर्स निकालने हैं। क्लोजर्स निकालने के लिए वही a का क्लोजर निकालना है। a का क्लोजर वही हम थ्योरम लगाएंगे, smallest closed set containing a। तो सबसे पहले हम टू क्लोज्ड सेट्स निकाल लेते हैं। अब टू क्लोज्ड सेट्स में इनके कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिएंगे। टू के अंदर आपको दो सेट दिखाई दे रहे हैं, एक तो सेट वो वाले हैं, दो एक तो वो वाला सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, और एक आपके पास फाई है। तो जब आप इनके कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास टू क्लोज्ड सेट आ जाएंगे। अब देखो टू क्लोज सेट्स कौन से होंगे, फाई का कॉम्प्लीमेंट तो एक्स हो जाएगा। अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट देखो क्या आएगा, हम कह रहे हैं टू के अंदर वो मेंबर्स हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। जब आप उनका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो खुद सेट फाइनाइट हो जाएंगे। दैट मीन्स क्लोज्ड सेट्स आर ऑल फाइनाइट सेट्स एंड एक्स। ये क्लियर है आपको लाइन? ये चीज बताओ मुझे क्लियर हुई कि टू क्लोज्ड सेट्स इन्होंने कैसे निकाले हैं? टू क्लोज सेट्स को फाइनाइट स्पेस के अंदर ये आएंगे, ये चीज क्लियर होगी आपको? नो मैम। नहीं हुई? फाई का कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्ट एक्स आ गया, ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमने इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये सेट क्या है, जो सब बड़े वाला सेट है, बड़े वाले सेट के अंदर वो वाले मेंबर्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, ठीक है। अब आप जब टू क्लोज्ड सेट्स निकालोगे तो आप क्या कहोगे, वो वाले सेट्स आएंगे, वो वाले टू क्लोज सेट्स होंगे जिनके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मींस खुद वही सेट फाइनाइट होगा। क्लियर हो रही है? यस। यानी कि इन कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्लोज सेट्स आर ऑल फाइनाइट सेट्स, यानी कि जो एक्स के फाइनाइट सबसेट्स होंगे और खुद एक्स, वो सारे आपके
कोफाइनाइट स्पेस के अंदर क्लोज सेट्स बन जाएंगे। देखो ये चीजें ना आपको वर्बली लर्न हो जानी चाहिए कि इंडिस्क्रीट स्पेस के अंदर क्लोज सेट्स कौन से होते हैं, फाई और एक्स ही होते हैं। फाई और एक्स ही ओपन होते हैं इंडिस्क्रीट में, फाई और एक्स ही क्लोज होते हैं। ऐसे ही डिस्क्रीट के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर भी टो ओपन और टो क्लोज हमेशा सेम होते हैं क्योंकि उस सारे सबसेट्स आते हैं एक्स के। कोफाइनाइट स्पेस के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, कोफाइनाइट के अंदर क्लोज सेट्स सारे फाइनाइट सबसेट्स होते हैं एक्स के और खुद एक्स अकेला एक एक्स भी होता है। अब हमने ए क्लोजर की बात करनी थी फर्स्ट पार्ट में। ए क्लोजर मीन्स स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। अब देखो ये जो आपने क्लोज सेट्स लिखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा क्लोज्ड सबसेट है जिसके अंदर ए आ रहा हो? अब देखो अभी देखिए हमें ए के ऊपर नहीं पता कि वेदर ए इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं किया हुआ कि ए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसलिए हम दोनों केस लेकर चलते हैं। अगर तो आपका ए फाइनाइट सेट है तो अगर ए फाइनाइट है तो ये क्लोज हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि क्लोज सेट्स आर ऑल फाइनाइट सेट्स, कि ऑल फाइनाइट सेट क्या है, क्लोज सेट है। अगर ए खुद फाइनाइट है तो दैट मीन्स ए क्लोज हो जाएगा, और अगर ए क्लोज है तो इस केस में ए का क्लोजर ए के इक्वल होगा। बट इन द केस व्हेन ए इज इनफाइनाइट, बट अगर ए इनफाइनाइट सेट है तो उस केस में ए क्लोजर क्या होगा, उस केस में ए क्लोजर वो होगा स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। अगर ए इनफाइनाइट सेट है तो देखिए फाइनाइट सेट तो ए को कंटेन नहीं करेंगे क्योंकि ए इनफाइनाइट है, तो सिर्फ एक्स है, एक्स एक ऐसा क्लोज्ड सेट बच जाता है जो ए को कंटेन करेगा क्योंकि एक्स भी इनफाइनाइट है आपका, तो उस केस में आपका ए का क्लोजर एक्स के बराबर आएगा इनफाइनाइट सेट के केस में। दैट मींस ए क्लोजर इज इक्वल टू ए व्हेदर व्हेन ए इज फाइनाइट एंड इज इक्वल टू एक्स व्हेन ए इज इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? यस मैम। जो भी स्टेप क्लियर नहीं है वो साथ के साथ अपना क्लियर करते रहिए। अब आपने डेंस की बात करनी थी, सेकंड पार्ट क्या था, द डेंस सबसेट्स ऑफ एक्स। तो डेंस सबसेट में क्या कौन से होते हैं डेंस सबसेट्स जिसमें एक का क्लोजर एक्स के बराबर हो, डेंस इन एक्स की बात कर रहे हैं। व्हेन क्लोजर इज इक्वल टू एक्स देन दिस सेट इज सेड टू बी डेंस इन एक्स। तो अब देखो ए का क्लोजर एक्स के बराबर कब आया है, जब ए को आप क्या लेकर चल रहे हो, इनफाइनाइट लेकर चल रहे हो। व्हेन ए इज इनफाइनाइट देन ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स मींस ए इज डेंस इफ ए इज इनफाइनाइट मींस एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज डेंस इन एक्स। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो डेंस सबसेट्स कौन से हुए, जितने भी एक्स के इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे वो सारे कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर डेंस हो जाएंगे। अब ये पी इंक्लूजन में डेंस सर्च करना है आपने, पी एक्सक्लूजन में डेंस सर्च करना है। देखो डेंस की डेफिनेशन के लिए आपको पहले क्लोजर ही निकालना पड़ेगा, डेंस तक पहुंचने के लिए आपको पहले उस सेट के क्लोजर की ही सर्च करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही आपका डेंस आएगा। तो ये फिर छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, ये आपने खुद करनी है। जो भी स्टेप या जो भी थ्योरम आपके पास आपको क्लियर नहीं हो रही है वो आप मेरे से दोबारा कर लेना ट्राई। ये वही चीजें हैं बेटा। देखिए क्लोजर्स निकालने हैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में डिराइव्ड सेट समझाए थे, अभी आपके पास क्लोजर्स आ गए। अब जब आपके पास डिराइव्ड सेट आ गए हैं, आपको पता है जेड डैश की वैल्यू क्या होती है, फाइव होती है यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस में, ठीक है, और क्यू डैश की वैल्यू आर होती है, और आर माइनस क्यू डैश की वैल्यू भी आर होती है। जेड क्लोजर क्या होगा, जेड यूनियन जेड डैश। यस मींस जेड यूनियन फाई इज इक्वल टू जेड, तो जेड क्लोजर आ गया। ऐसे ही क्यू क्लोजर आ जाएगा, ऐसे ही आपके पास आर माइनस क्यू क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि आपको उस टाइम पे, या फिर देखिए कई टोपोलॉजिकल स्पेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको टोक्लोज सेट्स निकालना इजी होता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनमें आपके लिए टू क्लोज्ड सेट निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहीं पर तो आप ये यूनियन वाली थ्योरम अप्लाई कर दीजिएगा जहां पर आपको कन्वीनियंट लगे, कहीं पर आपने वो वाली थ्योरम अप्लाई कर देनी है स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग जेड,
वो तब करनी है जब आपके लिए टॉप क्लोज्ड सेट्स निकालना इजी हो, ठीक है। और जहां पर आपको लगे कि हम टॉप क्लोज सेट्स इजीली नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां पर आपने यूनियन वाली, क्योंकि क्लोजर्स की बहुत सारी थ्योरम्स हैं। अब देखिए, एक ए है, जस्टिफाई योर आंसर, ए माइनस बी क्लोजर इज इक्वल टू ए। कुछ गलत है यहाँ, ये स्टेटमेंट में यहाँ पर मिस्टेक है राइट हैंड साइड में, ये ए क्लोजर माइनस बी क्लोजर आना था यहाँ पर। तो जस्टिफाई क्या हमें चेक करना है कि क्या ए माइनस बी होल क्लोजर इक्वल होता है ए क्लोजर माइनस बी क्लोजर के, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता तो हमें काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, और वो काउंटर एग्जांपल 90% केसेस में यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के अंडर ही दिया जाता है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ए माइनस बी होल क्लोजर नॉट इक्वल टू ए क्लोजर माइनस बी क्लोजर। तो इसके लिए हम यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर टू लेके चले, ए और बी हमें दो सबसेट सर्च करने हैं, तो हम ए को खुद, ए को हमने आर के इक्वल माना और बी को सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के इक्वल माना। तो अब ए माइनस बी निकालिए, व्हाट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स आर माइनस क्यू, मीन्स सेट ऑफ इरेशनल नंबर, एंड वी नो दैट क्लोजर ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज इक्वल टू आर इन यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। तो a माइनस बी क्लोजर की वैल्यू r आ गई, दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आपके पास r आ गई। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, व्हाट इज a क्लोजर मीन्स r क्लोजर इज इक्वल टू r, b क्लोजर मीन्स q क्लोजर, एंड q क्लोजर इज आल्सो इक्वल टू r, एंड r माइनस r इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स यू हैव राइट हैंड साइड इज 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज r, बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस दिस इज नॉट ट्रू। क्लियर? इनके अलावा आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा नहीं है आप, आपने सिर्फ यही वाले दो ही सेट है आर और क्यू। एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई करना, एक को सेट ऑफ रैशनल एक को इरेशनल ले लेना, या फिर आर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी ले सकते हो आप रैशनल नंबर्स की बजाय, ठीक है। अब देखिए ये है कि टू डेंस सेट्स के आपने एग्जांपल देने हैं, हुज इंटरसेक्शन इज नॉट डेंस, मींस थ्योरम क्या बनी, इंटरसेक्शन ऑफ टू डेंस सेट इज नॉट ऑलवेज डेंस। उसके लिए भी यही एक सेट ऑफ रैशनल नंबर के यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस ही दिया लिया हुआ है। तो जब भी हमें नेगेशन करनी होती है, क्योंकि आर के अंदर एग्जांपल देने इजी होते हैं, इसलिए हम आर टू की ही बात करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने दे दिया, ये आपकी वही थ्योरम है हमने पहले किया था, ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर प्रॉपर्टीज में। अब ये आपकी एन के लिए आ गई, यहाँ पर हम इंडक्शन लगा देंगे। दो के लिए हम प्रूव कर चुके हैं पहले कि ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अब ये आपकी एन मेंबर्स के लिए आ गई है कि ए वन यूनियन ए टू यूनियन एंड सो ऑन ए एन क्लोजर इज इक्वल टू ए वन क्लोजर यूनियन ए टू क्लोजर यूनियन ए एन क्लोजर। तो वी विल प्रूव इट बाय यूजिंग इंडक्शन। तो जब आप एन इज इक्वल टू टू लेकर चलोगे, तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं टू के लिए। फिर आप किसके लिए लेट करोगे, एन माइनस वन के लिए लेट कर लोगे, और फिर आपने एन के लिए इसको प्रूव कर देना है। कर लोगे या ये मैं करवाऊं, इंडक्शन है ये, बड़ा इजी है इंडक्शन लगाना। तो बोलिए, हाँ जी बेटा, ये हो जाएगी या मैं करवाऊं इसको, बोलिए। थ्योरम नंबर, ये एग्जांपल नंबर 20 है जो आपका, टू वाली याद है आपको कि हमने किया था ए यूनियन बी क्लोजर, प्रॉपर्टीज थी जब क्लोजर्स की, कि इंटरसेक्शन के केस में इक्वालिटी नहीं होती, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर का क्लोजर ए के बराबर होता है, पांच छह प्रॉपर्टीज थी ना। तो वो वाली प्रॉपर्टीज के अंदर हमने दो के बेस पे एन इज इक्वल टू टू के लिए ये प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ये कर चुके हैं, ए वन यूनियन ए टू होल क्लोजर इज इक्वल टू ए वन क्लोजर यूनियन ए टू क्लोजर, we have already proved it। बोलिए, फिर that means n is equal to 2 के लिए प्रूव हो गई ये। फिर आपने कहा कि assume that result is true for n minus 1, हमने n minus 1 के लिए result true माना है, that means n minus 1 members की closer is equal to a1 closer union a2 closer union an minus 1 closer। अब आपने n के लिए result को prove करना है, तो हम n members की closer लेके चले, इसको फिर दो में स्प्लिट कर दिया, n माइनस वन तक एक ले लिया और n वाले को अलग कर लिया, और दो के लिए आपको पता ही है कि ट्रू है रिजल्ट, ठीक है। फिर इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया,
जो आपने assumption की थी कि n minus 1 के लिए result true है, वो आपने apply कर दिया, इन सबको combine करके आपका closure सबके ऊपर split हो गया. Hence by deduction. मैम इन्होंने starting में कैसे लिया हुआ है कि a is subset of b? कहाँ पर? Starting में. ये बेटा ये property लगाई हुई है कि we know that if a is a subset of b, then a closure is always contained in b closure. ये property थी जब closures की हमने 4-5 property इकट्ठी की थी. जैसे नेबरहुड सिस्टम की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही क्लोजर्स की किए हैं हमने कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए क्लोजर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ बी क्लोजर. तो इसका यूज करके हम एन इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव कर रहे हैं. कैसे? अब देखिए ए वन यूनियन ए टू बड़ा है ए वन से, ए वन यूनियन ए टू बड़ा है ए टू से, टेकिंग क्लोजर. अब ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज की है. ठीक है, समझ आ गया? ये रिजल्ट लिखा हुआ है इन्होंने कि इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे. बस ये सारे बेटे ऐसे ही हैं, आपने वही निकालने हैं, किसी में क्लोजर, किसी में टेंस, किसी में आपको वो निकालना है डिराइव्ड सेट्स निकालने हैं. तो हो सकता है लास्ट में से सीक्वेंस वाली अभी छोड़ देना, इस सीक्वेंस वाली थ्योरम नहीं आएगी अभी आपको समझ में. ये जो है ये छोड़नी है अभी आपने, सीक्वेंस वाली ये भी छोड़ देना, जिसमें भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात है वो छोड़ देना. अब ये देखिए, जैसे आपने कैरेक्टराइजेशन ऑफ टोपोलॉजी इन द टर्म्स ऑफ नेबरहुड की थी, वैसे ही अब ये क्लोजर ऑपरेटर की टर्म में हम टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब तो 2 मिनट हमारे पास हैं, तो ये टॉपिक मैं आपको कल डिस्कस करवाती हूँ. और बेटा इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स का चैप्टर है. ठीक है, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक बार वो चैप्टर छोड़ के उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ से आपका मेन सिलेबस जो नई चीज है टोपोलॉजी में वो स्टार्ट हो जाती है. बेसिस, सब बेसिस जो आपने कभी पहले नहीं सुनी हुई. तो अगर वो नेक्स्ट चैप्टर आपके ऊपर ये है कि मैम हम खुद कर सकते हैं तो बताइए मुझे, और डाउट्स मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि ये तो वो चीजें हैं बेसिक्स. इसमें से मैं ये गारंटी भी नहीं देती कि आपके पेपर में से कंफर्म आएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसमें से गारंटी है आगे वाले चैप्टर में से कि उसमें से तो आना ही आना है. बेसिस, सब बेसिस वाले जो आगे चैप्टर हैं, न्यू चैप्टर्स हैं, उनमें से तो पक्का आना ही आना है. तो अगर तो आप इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री पॉइंट्स वाले चैप्टर आपको लगता है कि हम खुद कर सकते हैं, उसमें है सब चीजें यही वाली, इसलिए मैंने ये 2 चैप्टर्स आपको करवाई हैं, लिमिट्स पॉइंट्स वाले, नेबरहुड वाले, एडहेरेंट पॉइंट, ये सारी चीजें मैंने आपको निकालनी सिखा दी हैं, ताकि अब इंटीरियर एक्सटीरियर वाला मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर सकते, वो आप इजिली कर सकते हो. उसमें भी वही चीजें निकालनी है, क्योंकि जो इंटीरियर है उसका क्या मतलब है, इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नेबरहुड वाले ही होते हैं. सेट को तो नेबरहुड बोल देते हैं हम उस पॉइंट का, और पॉइंट को सेट का क्या बोल देते हैं, इंटीरियर पॉइंट बोल देते हैं. कंसेप्ट तो वही चल रहा है ना आपका, नेबरहुड वाला ही. ठीक है, तो इसलिए जब नेबरहुड अगर आपको क्लियर है तो इंटीरियर पॉइंट में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस सिर्फ बोलने की बोलने का जो सेंस है वो अलग हो गई है. आपने पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट बोलना है, सेट को नेबरहुड बोलना है उस पॉइंट का, बस ये फर्क है. तो कल तो मैं आपको ये डिस्कस करवाऊंगी, ये जो कैरेक्टराइजेशन है क्लोजर ऑपरेटर की टर्म में. ठीक है, अब मीटिंग खत्म होने वाली है. निधि बेटा आप मुझे कॉल कर लेना, जो आपका वो डाउट था, वो जो आप मुझसे मैसेज पे पूछ रहे थे. ठीक है, ओके मैम. हाँ, वो थोड़ा डिटेल में है, ऐसे वर्बली नहीं बताया जा सकता, उसमें मैसेज के थ्रू नहीं समझा सकती मैं आपको. ओके मैम, जब भी फ्री मुझे शाम को कॉल कर लेना, मैं 4:30 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ.